ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप हैप्पी बर्थडे का बैनर बना सकते हो अपनी फोटोशॉप में। दोस्तों फोटोशॉप में अगर आप नए हैं, थोड़ी बहुत कम नॉलेज है, तो आज की इस वीडियो में ऐसी ट्रिक्स बताए हैं जिसके माध्यम से आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे आप हैप्पी बर्थडे का बैनर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास हैप्पी बर्थडे का बहुत सारे जैसे कि रो मटेरियल्स है, जैसे केक्स हो के, हैप्पी बर्थडे का लोगो हो गया, या किसी भी जैसे कि बैकग्राउंड हो गया, कई प्रकार के चीज़ें हैं जैसे बैलून्स हो गए। तो इन सब चीज़ों को मिला करके एक हैप्पी बर्थडे का बैनर आप कैसे बना सकते हो, आज की इस वीडियो में बड़े ही आसान तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, आप डायरेक्टली गूगल में जाओगे, वहाँ पर आप हैप्पी बर्थडे का पीएनजी लिखोगे तो वहाँ पे केक का पीएनजी आएगा, और जैसे बैकग्राउंड्स आएंगे और हैप्पी बर्थडे टेक्स्ट लिखेंगे, तो कुछ इस प्रकार का मटेरियल्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमने डाउनलोड करके रखा है ताकि टाइम बचे और आपको जल्दी से जल्दी मैं आपको ये बता सकूं कि आप हैप्पी बर्थडे का बैनर कैसे बना सकते हैं। चलिए यहाँ तक हमने आपको बता दिया, आप डाउनलोड कर लें, और अगर आप चाहो तो मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड करके आप रिवाइज कर सकते हैं। चलिए हम आपको और भी आसान कर दिया, इस चीज़ आपको खोजना नहीं पड़ेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि फोटोशॉप का कोई भी वर्जन आपको सबसे पहले ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जैसे कि अगर आपको कोई भी हैप्पी बर्थडे का बैनर बनाना है तो उसके लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल की साइज क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमें साइज डिसाइड करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे फाइल में चले जाऊँगा और न्यू पे क्लिक करूँगा। इसका शॉर्ट कमांड कंट्रोल एन है, जिसकी मदद से आप जैसे कि मैं यहाँ पे कंट्रोल एन प्रेस करूँगा, यहाँ पे हमारे पास साइज न्यू लेने का एक ऑप्शन आ गया। प्रीसेट साइज में आपको सबसे ऊपर में कस्टम साइज को सेलेक्ट करना है, और आपको यहाँ पे विडिट और हाइट का जो पिक्सल्स है उसको इंच में कर लेना है, और विडिट यानी चौड़ाई इसका रखना है, जैसे कि मुझे 4 फीट रखना है तो 12 इंच का 1 फीट होता है तो बरचौक 48, और हाइट रखना है इसका 12 36 यानी 3 फीट, तो हमने 36 कर लिया। रेजुलेशन आप 100 या 72 कुछ भी रख सकते हो, और मोड में अगर आपको प्रिंट कराना है तो RGB रखें, अगर आपको प्रिंट नहीं कराना है सॉरी प्रिंट कराना है तो CMYK रखें, और प्रिंट नहीं कराना है तो RGB रखें। तो मैं अभी फिलहाल अब प्रिंट नहीं करना है तो RGB रख लेता हूँ और ओके करता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा एक बैनर का साइज यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बैनर का साइज ले लिया हूँ, यहाँ से चाहो तो अभी आप बैनर का साइज को चेंज भी कर सकते हो। तो फिलहाल इतना ही मुझे अभी इसको करना है, और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक इस पर बैकग्राउंड लगाना है। तो बैकग्राउंड लगाने के लिए सिंपल से आपको यहाँ से एक बैकग्राउंड शो कर रहा है, इस बैकग्राउंड को मैं अपने फोटोशॉप में ओपन कर लेता हूँ, और इस बैकग्राउंड को यहाँ से टूल्स बार की मदद से सिंपल इसको यहाँ पर रखना है, और इसको यहाँ से क्लोज कर देना है, और इसको यहाँ से मैं इस साइड में कर देता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ, और इसको सिंपल से बड़ा करके यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। और यहाँ से विंडो में जाएंगे, सबसे फर्स्ट यहाँ पे लेयर पैनल को ओपन कर लेना है। अब इसको थोड़ा सा गॉसियन ब्लर देना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पे फिल्टर में चले जाना है और ब्लर में चले जाना है और गॉसियन ब्लर, और उसके बाद यहाँ से आप जितना चाहो उतना ब्लर कर सकते हो। इसको यहाँ पे कंट्रोल टी करेंगे, थोड़ा सा नीचे कर दूंगा मैं, और उसके बाद इसको कंट्रोल ए करेंगे, इमेज में जाएंगे, क्रॉप कर देंगे। यहाँ पे आपका इमेज का साइज उतना ही रहा जितना कि आपने ये साइज लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको फिर से चले जाना है अपने फोल्डर्स में, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बच्ची का फोटो है जो कि यहाँ पे इस बैनर में आपको हमें देना चाहता हूँ मैं, तो इसको सिंपल से यहाँ पे रख देना है, इसको उठा करके यहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फोटोज़ हो गया, एक फ़ोटो को डिलीट कर देता हूँ। अभी इस फोटो को यहाँ से क्लोज करता हूँ और बैकग्राउंड को यहाँ पे बड़ा करता हूँ, और कंट्रोल टी करके इस फोटो को, बच्ची का फोटो को यहाँ पे मैं बड़ा कर देता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और अभी आपको क्या करना है कि इसका ये जो बच्ची का फोटो है, मुझे इसका फोटो को यहाँ पे इसको ब्लेंड करना है। तो ब्लेंड करने के लिए सिंपल आपको ब्रश टूल का प्रयोग करना है यहाँ पे, और ब्रश टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ब्रश यहाँ पे आ जाएगा साइज आपको, और साइज आ जाने के बाद सॉरी दोस्तों ब्रश टूल को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका कुछ और जाएगा, आपको इरेजर टूल, तो टूल्स बार में जाएंगे, आपको इरेजर टूल को सेलेक्ट करना है, और इरेजर टूल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको मोड में आपको ब्रश सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे ब्रश साइज में यहाँ पे आपको कई सारे साइज मिल जाएंगे, इसको नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको 300 नंबर का एक ब्रश सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ से ओपेसिटी और फ्लो यहाँ पे आपको, जैसे ओपेसिटी यहाँ पे 17 और फ्लो यहाँ पे 63 या 70 भी रख सकते हो। उसके बाद ब्रश का यहाँ पे मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, और कुछ इस प्रकार से इस बच्चे का जो फालतू बैकग्राउंड है मैं यहाँ से इसको
रिमूव कर लेता हूँ। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा मैं फास्ट कर लेता हूँ ताकि आपका थोड़ा सा समय बच सके। दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखना है कि हमारे जो बैकग्राउंड रिरेज करना है, जैसे कि यहाँ पे इसका ड्रेस हो गया, ड्रेस ना डिलीट हो जाए, और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड ही सिर्फ डिलीट करना है ताकि ये बैकग्राउंड के साथ ही अच्छे से मर्ज हो जाएगा, ठीक है। और अभी मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से नीचे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, और यहाँ पे इरेजर टूल को थोड़ा सा साइड में भी इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। और अभी मूव टूल्स की मदद से इसको सिंपल मैं इधर साइड में रख देता हूँ, और अभी मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकता हूँ बड़े ही आसानी से। तो हमने यहाँ पर इसको बड़ा कर दिया, ठीक है, और इसको यहाँ से मैं छोटा कर दिया हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा ये फोटो लग चुका है। अब यहाँ पे बारी आता है कि यहाँ पे मैं हैप्पी बर्थडे का लोगो लगाना चाहता हूँ। तो हमारे पास एक हैप्पी बर्थडे का टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को आप डाउनलोड कर लेना, और मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमने इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसे कंट्रोल टी करके बड़ा कर देता हूँ। बड़ा होने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि आपका टेक्स्ट यहाँ पर दिख रहा है। अब इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपको चले जाना है सेलेक्ट में, और कलर इन्वर्स, और यहाँ पे वाइट कलर को सिलेक्ट करना है, ओके करना है, और डिलीट बटन को दबाना है। यहाँ से आपका बैकग्राउंड इसका डिलीट हो गया, ठीक है। अब इसके नीचे में शेडो देना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ से बड़ा हो गया, और उसके बाद यहाँ से इसको साइड में लगा दूंगा मैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और लगाने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे इसको शेडो लगाना है, तो यहाँ पे लेयर में चले जाएंगे, लेयर स्टाइल और ड्रॉप शेडो, इस पर क्लिक करना है, और इसको यहाँ से नॉर्मल कलर को वाइट कर देना है, और यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है, साइज को बड़ा कर देना है। इसे आप चाहो तो छोटा भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो, और कुछ इस प्रकार से यहाँ से आपको छोटा कर देना है, कुछ इस प्रकार से। तो कुछ इस प्रकार से आप हैप्पी बर्थडे यहाँ पे बड़े ही आसानी से लिख सकते हो। तो अभी हमने हैप्पी बर्थडे यहाँ पे लिख चुका हूँ, और अब बारी आता है कि मुझे यहाँ पे इसमें केक लगाना है। तो केक यहाँ पे चाहो तो कोई भी लगा सकते हो आप, तो फिलहाल मैं यहाँ पे इस वाले केक को मैं लगा लेता हूँ। इस केक को सिंपल से क्या करना है, ये वाला केक थोड़ा सा कुछ एनिवर्सरी वर्क टाइप का लग रहा है, तो मैं यहाँ पे इस मोमबत्ती वाले को ले लेता हूँ, और यहाँ पे रखता हूँ, और इसे मैं नीचे करके ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, और ये वाले केक को डिलीट करता हूँ, इस वाले को बड़ा कर लेता हूँ, फोटो को, सॉरी बैकग्राउंड को, और यहाँ पे इसको कंट्रोल टी करके इसको बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो वाइट कलर का जो है यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मैजिक वन टूल का प्रयोग करेंगे, और बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक से यहाँ पे ये सेलेक्ट हो जाएगा, डिलीट बटन दबा देंगे, यहाँ से आपका ये केक का बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पर भी इसको ड्रॉप शैडो देना चाहते हैं, तो लेयर स्टाइल में चले जाएंगे, लेयर स्टाइल, यहाँ पे लेयर में जाएंगे, लेयर स्टाइल, उसके बाद यहाँ पे आपको ड्रॉप शैडो पर क्लिक करना है, और यहाँ से फिर वही ऑप्शन आपको नॉर्मल मोड कर देना है, इसका कलर जो है बैकग्राउंड मोड जो है वाइट कर देना है, और इसको यहाँ से बड़ा कर देना है थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आप देख सकते हो। तो अभी हमने यहाँ पे केक का कलर को चेंज कर दिया हूँ, सॉरी केक को यहाँ पे मैं बैकग्राउंड इसका बदल के सिंपल से केक लगा चुका हूँ। अब यहाँ पे बारी आता है कि मुझे यहाँ पे अगर मैं कुछ बैलून्स लगाना चाहता हूँ, तो जैसे कि यहाँ पे कुछ डेकोरेशन है, तो इसको मैं यहाँ से सिंपल से आपने यहाँ पे ले आता हूँ, और इसे यहाँ पे नीचे कर देता हूँ, और इस वाले को क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पर जो हमने सेलेक्ट किया है इसको नीचे करके कुछ इस टाइप्स का मैं यहाँ पे डेकोरेटर है, इसको मैं हमने सजा दिया, ठीक है। और इसका यहाँ पे जो ब्लेंड मोड है, इसका ब्लेंड मोड यहाँ से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, या तो आप यहाँ पे सॉफ्ट लाइट कर देंगे, हमने यहाँ पे सॉफ्ट लाइट कर दिया, तो यहाँ पे मिक्स हो गया। और अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे कुछ बैलून्स है तो बैलून्स भी लगा देता हूँ मैं, यहाँ पे मैं इस बैलून्स को यहाँ से मैं ऐड कर देता हूँ, ये भी PNG आपको मिलेगा, आप इसको भी यूज करना, कंट्रोल टी करेंगे, इसको बड़ा कर देंगे मैं यहाँ से, ठीक है, और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमने इस बैलून्स को लगा दिया यहाँ पे, और थोड़ा सा नीचे कर दिया हमने इसको। तो अभी यहाँ पे हैप्पी बर्थडे भी हो चुका है, और यहाँ पे इरेज टूल लेंगे, और इसको यहाँ पे थोड़ा सा इसका धागा को यहाँ से ब्लेंड कर देंगे,
उसके बाद मुझे बारी आता है यहाँ पे बैकग्राउंड देने की। तो अब ये वाला बैकग्राउंड मैं लगा देता हूँ, या थोड़ा सा ये मोमबत्ती वाला हैप्पी बर्थडे लगा देता हूँ सबसे फर्स्ट नीचे यहाँ पे लगा देंगे। इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे और कंट्रोल टी करेंगे, इससे बड़ा कर लेता हूँ हैप्पी बर्थडे। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो हमने लगा दिया, और इसका भी वाइट कलर का बैकग्राउंड है, इसे भी मैं डिलीट करूँगा। उसके लिए सिलेक्ट में जाएंगे, कलर रेंज वाइट कलर को सिलेक्ट करना है, ओके करना है और यहाँ से डिलीट करना है। अभी यहाँ पे डिलीट हो चुका है और इस पर यहाँ पे ड्रॉप शेडो लगाता हूँ, और उसे फिर से वही ब्लेंड मोड नॉर्मल, इसको वाइट और इसे 100% ओपेसिटी कर देना है, इसको बढ़ा देना है कुछ इस प्रकार से। और इसका यहाँ पे मुझे ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना है, तो कुछ इस प्रकार से आपको ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हो हैप्पी बर्थडे यहाँ पे लिख चुका हूँ मैं। और अब यहाँ पे सबसे लास्ट में आता है ऑप्शन यहाँ पे बच्चे का नाम लिखना, तो बच्चे का नाम यहाँ पे बड़े ही आसानी से आप यहाँ पे जैसे कि इस पे मैं कोई लिख देता हूँ, तो यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हो आप। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बच्चे का नाम, जैसे कि सिया लिख देता हूँ मैं, सिया कुमारी हमने इसको लिख दिया, ठीक है। और लिखने के बाद ऑटोमेटिक से इस टेक्स्ट को मैं बड़ा कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से, इसको ऊपर ले आता हूँ और इसको यहाँ से मैं सेंटर कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे देख सकते हो आप, हमने इसको लगा दिया हूँ और उसके बाद ये हो चुका है। और अभी मुझे क्या करना है कि इसको इसका कलर चेंज करने के लिए सिंपल लेयर में चले जाएंगे, लेयर स्टाइल और कलर ओवरले का ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका टेक्स्ट टूल पे जाएंगे, वाइट कलर का इसको स्ट्रोक लगा देंगे, थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे। और अभी यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमने बच्चे का नाम हैप्पी बर्थडे लोगो लगा चुका हूँ और यहाँ पर बच्चे का फ़ोटो दे चुका हूँ। तो इतना काफ़ी है हमारा जो है कि यहाँ पे हैप्पी बर्थडे का यहाँ पे मनाने के लिए। अगर आप चाहो तो यहाँ पे कौन सा है पांचवा छठा, तो यहाँ पर आप दे सकते हो, यहाँ पे 5 हैप्पी बर्थडे लिख सकते हो, मैंने 5 लिख दिया, यहाँ पे आप हो चुका है। इसको थोड़ा सा चाहो तो और छोटा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसका यहाँ पे कलर को चेंज कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे कलर आप देख सकते हो, कलर में चाहूँ तो कोई भी कलर में यहाँ से बड़े ही आसानी से ले सकता हूँ। तो ठीक है, अभी मैं सिर्फ रेडी रहने देता हूँ। और इसका बैकग्राउंड हो गया आपका कुछ इस प्रकार से, और आप अब इसे बड़े ही आसानी से आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। और आप हैप्पी बर्थडे का इस पर टाइप से बैनर किसी भी बच्चे का बना सकते हो। तो आई होप कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्या पता आज उनका हैप्पी बर्थडे हो और ये वीडियो देख के वो अपना खुद का बैनर खुद से डिजाइन कर सके। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।